हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनिल और आप देख रहे हैं पहाड़ी लाइफस्टाइल। और मेरे साथ हैं अभी ऋतिक टमटा और वो कैमरे के पीछे हैं। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं उत्तराखंड की कुछ खूबसूरत संस्कृतियों को, जैसे कि आपको आगे व्लॉग में पता चलेगा। तो दोस्तों, आप लोग जो भी अपने देसी बंदे हैं वो पॉपकॉर्न लेके बैठ जाएं, और जो अपने पहाड़ी बंदे हैं वो चाय की गिलास और मिश्री का कुंचा पकड़ के बैठ जाएं। तो आइए दोस्तों, आगे का ब्लॉग शुरू करते हैं। हम लोग अभी आंठू देखने जा रहे हैं। सातों आंठू होता है, गांव का बहुत ही अच्छा त्यौहार आता है, ये अगस्त के महीने में आता है। तो जैसे कि हमारा एक दूसरा चैनल भी है, परफेक्टिव पहाड़ी बोला, हम दो चैनलों में काम करते हैं। परफेक्टिव पहाड़ी में हमारी वीडियो बहुत काफ़ी अच्छी आती है, फनी वीडियो, कॉमेडी वीडियो। तो अभी हमने ये भी सोचा कि यार जरा सा लोग बहुत तरसते हैं ऐसी वीडियो देखने के लिए, तो यार हम क्योंकि क्वीनी की ये परंपरा बहुत पीछे छूट चुकी है यार, क्योंकि इसको भी हम कैमरे में दिखा दें, लोग कहेंगे यार आने वाले टाइम पे यार देखो उस वीडियो में हम भी थे, इस वीडियो में हम भी थे। तो आओ हम भी अब चलते हैं, जैसे कि हमारे चैनपुर एक पोस्ट ऑफिस है, वहाँ पे हमारे ये बंदे रुके हैं, वहाँ से हम लोग साथ चलेंगे नीचे। तो हम आपको बंदे दिखाते हैं और हम यहाँ से चलते हैं। अच्छा ऋतिक भाई, मैं एक बात इसमें ऐड करना चाहूँगा, मैं ऋतिक भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार कैमरा पकड़ लें और मैं और जैसे जो आज का व्लॉग है उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा आपको। तो जो ये सातों आठों का हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ये फेस्टिवल त्यौहार हम ये सेलिब्रेट करते हैं, तो इसके पीछे का रीज़न क्या बताया जाता है कि जब माता पार्वती भगवान शिव से रूठ कर नाराज़ होकर अपने मायके आ गई थी, तो भगवान शिव उन्हें लेने के लिए वापस आए थे धरती पर। तो इस वजह से ये फेस्टिवल तब सेलिब्रेट किया जाता है पार्वती माता की विदाई में। तो आइए दिखाएंगे आपको कि कैसे कैसे क्या क्या सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलिए ऋतिक भाई, फोन आ रहा है यार, वो वहाँ रुके चैनपुर पे ना हमारे। अच्छा तो वो बोल रहा था कि यार जल्दी आओ, तो हमने जल्दी वहाँ जहाँ हमने कहा जाना, जहाँ क्या लग रहा है आठों और सातों। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे सीधे, और हमारा एक फ्रेंड है वो हमारा वेट कर रहा है वहाँ पे। तो उस मार्केट का नाम चैनपुर है, और अब फिर हम वहाँ से क्या करेंगे, जहाँ पे सातों आठों का मेला लगता है और फंक्शन होता है और ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, तो हम वहाँ पे जाएंगे, फिर आपको ले चलते हैं। चलो 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 देखते हैं जल्दी जल्दी, अगर देखना है तो चुके हैं जहाँ पे हमारा दोस्त रुका है चैनपुर पे। वो देखो सूरज भाई, वो देखो वहाँ पे खड़े हैं सूरज भाई। तो अरे कहाँ गए अभी, तो इधर ही थे। हाँ वो रे अरे दोस्तों माफी चाहता, फोकस नहीं हो रहा था। वो अभी बहुत दूर है पर हमें जाना वहीं है। छुप गया ये भावने में कहीं। तो दोस्तों माफी चाहता हूँ, अभी हम हमारे पास ये कैमरा नया है, तो हम इस कैमरे के यूज टू नहीं है, और जहाँ आप तब तक ये देखो ये हमारी सड़क है, इसे एंजॉय करो। निकॉन का कैमरा है। हाँ ये निकॉन का ही है भाई। हाँ निकॉन का है ये। तो दोस्तों हम लोग इस कैमरे के अभी यूज्ड नहीं है। दोस्तों मैं एक बहुत ही कमाल की चीज़ दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे से ये इस पहाड़ी का व्यू इतना अच्छा आता है ना दोस्तों, जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है। आप भी देखोगे तो ये बहुत प्यारा लगता है, आप देखो इसे। तो गाइस जैसे आप लोग देख रहे हैं मुझे इस रास्ते पे चलते हुए देख रहे हैं, तो ये रास्ता हमारे स्कूल जाने के टाइम का था, जब हम 8th में पढ़ते थे, 8th स्टैंडर्ड में। तो ये रास्ता था, हमें ये स्कूल बहुत ही प्यारा लगता था। और हाँ दोस्तों ये रास्ता तब भी ऐसा ही था और आज भी ऐसा ही है। चलो आपको कुछ और दिखाते हैं। स्कूल है, यहाँ से अनिल भाई ने भी 8th पास कर रखा है, मैंने भी 8th पास कर रखा है, इसको प्रणाम करूँगा क्योंकि हमने जो भी विद्या ले रखी है इसे ले रखी है। तो अभी स्कूल काफ़ी डेवलप हो गया, उस टाइम पर बहुत कम था, सरकार ने काफ़ी मदद कर दी सरकारी, और स्कूल में काफ़ी अच्छा है बच्चों के लिए। दोस्तों जब हम लोग थे इस स्कूल में, तो उस टाइम पे इस स्कूल में कंप्यूटर तक नहीं था दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे, कंप्यूटर छोड़ो इस स्कूल में इलेक्ट्रिसिटी तक नहीं थी। अब के टाइम पे तो कंप्यूटर आ गए, और भाई साहब इतनी बढ़िया फैसिलिटी की है, देखो गमले रखे हैं कितने प्यारे प्यारे, देखो गमले दिखाता हूँ, दिखाता हूँ देखो इनको गमले दिखाओ, देखो इतने प्यारे प्यारे गमले रखे हैं इन लोगों ने, हमारे टाइम पे कुछ भी नहीं था ये देखो। और ये देखो दीवारें कितनी अच्छी हैं। देखो अभी देखो। आपको पता है लॉकडाउन के जैसे यहाँ स्कूल बंद है, ये अनिल भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलो अनिल भाई। दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ, ये ताला तब से अब तक का वही ताला है, ये बड़ा मजबूत ताला है। क्रेश ठीक हो गया ना? तो ये जो था क्रेश ने अपना जितना रूप प्रकट करके जो है इस जगत में उजाला किया था ना, उस पर्वत को अभी भी हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में जो कुमाऊं क्षेत्र का एक विशेष पर्व है गौरा पूजन,
इसके गौरा पूजन के उद्देश्य के पीछे तो बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन गौरा पूजन विशेष रूप से शंकर जी की शादी का वर्णन लिया गया है। जब श्री शिव शंकर भगवान जी हिमाचल प्रदेश को घोर तपस्या के लिए गए थे और उनको नंदी की सवारी करनी पड़ी। जब से आपने देखा होगा कि कभी भी शिव का अगर साक्षात रूप आएगा तो बगल में नंदी जरूर खड़ा होगा, है? अर्थात शिव शंकर जो थे इस सारे सृष्टि के कलाकार थे, सृष्टि की रचना करने वाले ही कौन थे? कौन थे? शिव शंकर, शिव शंकर भगवान शिव, आराध्य देव माना जाता है इसी पर्वत से। यह हमारा जो पहाड़ी महिलाएं हैं अपना 3 दिन का व्रत तृतीया से लेके अष्टमी तक उनको 1 दिन भी व्रत का छूट नहीं मिलता है, और इस व्रत के पीछे कितना कितना धर्म अधर्म न्याय अन्याय की सारी बातें हैं जो वो यहाँ महिलाएं जो है उजागर करती हैं, व्याख्यान करती है उसका, महिलाएं उसका आह्वान करती हैं कि हम में भी ऐसे ही सद्गुण हमेशा पर्याप्त रूप से भरे रहे। इस मनोकामना के साथ ये व्रत होने वाला ठहराई जा, अब अचाल माननान को जा कोई निमानन भया भजिया। अंकल जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी है हमें, अंकल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम लोग। बता अभी आमा जी बताएंगी, अंकल जी ने कैसा बताया कहके पूछ रहा, उसको बताओ क्या क्या कहा कैसा। ये अब मैं ये आमा जी से पूछूंगा, ये कुछ अपने विचार रखेंगे इस बारे में। तो आमा तुम क्या बता दिया आठों बार में, क्या बता दिया इन्होंने, कश बता वही बता दिया, तुम उन कस लग रही सब यू बता दिया, बढ़िया लग रही तुम उन कस लग रही बढ़िया लग रही। तो आप लोगों ने ये हमारे अपने विचार रखे, इनको अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। तो आप देख सकते हैं हमारे गांव का गौरा लगा रहे, जैसे कि देख सकते हैं खेल लग रहे हैं। ये हमारी गमरे है, काफी अच्छा मटका रहे, थोड़ा अभी हाथ थोड़ा बैलेंस बिगड़ गया है। गला दबा दो, अब देखो सब अपने देख सकते हो, ये ऐसी परंपरा है, सब अपने गोद और जब बोलते अगर फल हाथ में आ गया तो उसको सम्मान आता है। एक सब झपट पड़े झपट पड़े
ओके, तो गाइज आप यहाँ तक आए तो इसका मतलब आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी है, और आपका तहे दिल से थैंक यू करता हूँ मैं पूरी वीडियो देखने के लिए। दोस्तों क्या हुआ था कि हम लोगों को व्लॉग शूट करते करते पता ही नहीं चला कि शाम हो गई और हम आखिरी का पार्ट शूट नहीं कर पाए, तो जो ये हम अभी शूट कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आपको फ्यूचर में ऐसी ही वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर देना। थैंक यू सो मच।